कि तुम परमात्मा की प्रेरणा में जंगल में चले जाते हो, घर छोड़ जाते हो और भूख लगती है, प्यास लगती है, फिर रोटी मांगने फिर घर में और गृहस्थियों के पास आते हो। बता, अकल है तुम्हारे अंदर? अब घर में सारी सुविधाएं हैं, मकान है, झोपड़ी है, छोटा है, बड़ा है, जैसा तेरी किस्मत में, और नाम मिल गया, काम भी कर रोजी रोटी के लिए और भक्ति कर, और जिस काम को पहले आप करने में सारा समय लगा देते थे वो पूरा नहीं होता, बरकत नहीं होती। भगवान की भक्ति में यह शक्ति हो रहा है, आपके घर में बरकत करेंगे, आपके शरीर को स्वस्थ करेंगे, आपके आने वाले जो पाप कर्मों के दंड हैं उनको दूर करेंगे, तो आपको निर्मल करके रखेंगे, आपको बरकत भी देंगे और मोक्ष भी इसी विधि से मिलेगा। और भगवान विष्णु जी के अंदर जो एक सतोगुण भर दिया इसने, यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। जैसे मिर्च का गुण बना दिया कि वो तो मुंह फूकेगी और छोंक लगेगा छींक आवेंगी। अब जैसे रसोई में छोंक लगा जाता है, ये भगवान रहते हैं ऊपर तीनों आप अपने लोकों में, विष्णु विष्णु लोक में, शिव जी शिवलोक में, ब्रह्मा जी ब्रह्मा लोक में, और वहाँ से ही ये तीन लोकों के ऊपर इनके अंदर से निकल रही वो रेंज, वो किरण, वो तरंग हमें प्रभावित कर रही है, तीनों लोकों के प्राणियों को, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। अब जैसे रसोई में छोंक लगा रहे हैं मिर्चों का और अलग कमरों में बैठे अन्य व्यक्तियों को भी छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। मूल वस्तु, साकार वस्तु तो रसोई में, उसके निराकार उस तरंग ने जाकर वहाँ विचलित कर दिए, वो छींक उनके बस की नहीं रोक दें। तो इसी प्रकार इन तीनों भगवानों से निकल रहे तीनों गुणों का प्रभाव आपके ऊपर है, जीव के बस का नहीं कि आप इनसे बच सको। इसको बचने का तरीका है, इसकी एंटीबायोटिक बताई भगवान, वो क्या है कि डेरे डंडे खुश रहो और खुसरे लहे न मोक्ष, ध्रुव पर लाद भी जब उधर गए तो फिर गृहस्थी में क्या दोष। यानी आपको फिर भी क्लियर करते हैं कि गृहस्थी का तात्पर्य ये नहीं है कि भाई ब्याह करवाना गृहस्थी हो है, ब्रह्मचारी रहो या गृहस्थ में रहो, घर में रहो यानी कर के खाओ करो और भक्ति करो, कर्म सन्यासी नहीं होना चाहिए, कर्म योगी बने रहो। जैसे हमारे यहाँ भक्त रहते हैं जिन्होंने कईयों ने शादी नहीं करा रखी, तो वो कर्म योगी हैं या कर्म सन्यासी नहीं है, वो भी गृहस्थी है समझ लो, यहाँ सबकी सेवा करते हैं, अपना भक्ति भी करते हैं और साथ में अपनी सेवा भी करते हैं। तो इसी प्रकार भक्ति इस मोक्ष होगा इस मंत्र से जो दास के पास है और इस सिमरण से, चाहे वो गृहस्थी शादीशुदा करो और चाहे ब्रह्मचारी करो, दोनों का मोक्ष इसी से होगा। चाहे खुसरे करो, इजड़े करो, वो भी मनुष्य है, वो भी पार होंगे, पर यह वृत्ति बदले जब बात बने तो ज्ञान से सत्संग सुने तो सबको असर होगा। तो प्रसंग जो चल रहा है उस पर आते हैं। जो परमात्मा ने बताया काल को कि तूने ऐसा जुल्म कर दिया, हाहाकार मचा रखी, और मैं इनको जाकर ज्ञान बताऊंगा, तो एकदम भयंकर होकर मुझे मारने के लिए दौड़ा धर्मदास, परमात्मा बता रहे हैं, और मैंने श्वास का सिमरण कर दिया, सतनाम का सिमरण किया, और उस सिमरण के ताकत से वो इतना कंडम हो गया, ऐसी स्थिति होगी, ऐसा गिर गया पृथ्वी पर जैसे पक्षी की पंख कट जाया करें, वो उड़ नहीं सकता और पड़ा पड़ा फड़फड़ा रहा होता है। अपने आत्मा परमात्मा, उन्होंने तो कोई ज़रूरत नहीं थी सिमरण श्रमण करण की, वो तो मालिक हैं, लेकिन हमें ये सतर्क करना चाहते हैं कि जिस समय आपके ऊपर कोई भी आपत्ति किसी प्रकार की आ जाए, चाहे कोई आध्यात्मिक है या संसारिक है, उस समय आपको प्रथम मंत्र मिला है तो प्रथम मंत्र का सिमरण शुरू कर दिए, जाप करिए, द्वितीय मिला है तो द्वितीय का शुरू कर दीजिए, सारनाम मिला है तो वो सारनाम और सारा मिला करके जो बनाया गया है उसको उसका जाप कीजिए, तो आपके ऊपर तुरंत उसका प्रभाव हट जाएगा, कोई भी किसी प्रकार का संकट आप पर आए, यदि आपकी मर्यादा सही होगी
आपका कनेक्शन पावर ठीक होगा, यानी काम नाम खंडित नहीं होगा, तो आप पर वो कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। अब वो उस माध्यम से परमात्मा हमें सतर्क कर रहे हैं कि कभी तुम्हारे ऊपर ऐसी आ भी जाती आपदा तो तुरंत मालक ने याद रुकरी इस मत स्मरण के माध्यम से। फिर देखियो तो उस समय वो ऐसी स्थिति में आगे गिर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाया करती हैं। अब उसने देख लिया, काल भगवान ने, काल ने देख लिया कि भाई जोगजीत के पास कोई शक्तिशाली मंत्र है, इसने तो मुझे कंडम कर दिया। तो इसने फिर चापलूसी का सहारा दिया। आप देख लो यहाँ यथा राजा तथा प्रजा, जिस आयु भगवान है इसी हमारा सबका नेचर ऐसा ही है। हमारे से कोई बोधा आदमी है यानी कमज़ोर है, शारीरिक कमज़ोर है या वैसे व्यवस्था में कमज़ोर है तो हम उसका सिर पर चढ़ जावें और जब तगड़ा सामने आ जा उसने हाथ जोड़ा, हाँ जी चौधरी साहब। एक शराबी जावा था, शराब पिए गली में, सामने एक बनिया आ गया, बनिया लाला जी, क्योंकि वो अल्पसंख्यक होते थे गांव में, एक एक दो दो चार चार घर होते थे। तो शराबी ने जब देखा उस बनिया को गाली देने लग गया तो दूसरा बोला, अरे बोलिए ना लाला जी शराब पी रहा है। इतने में एक लठ ले रहा था कंधे पर तगड़ा सा आदमी, वो बोला, अरे क्या कौन है, क्या कर रहा है? बोला, चौधरी साहब नमस्ते। तो लाला जी बोले, भाई तो दो डाल की पी रहा है, ये तो दो तरह की पी रहा है, शराब पी रहा था, मन्ने गाल दे रही ठंडा दिखा इसने हाथ जोड़ा यू। तो यू काल तो दो तरह की प्यार रखी इसने हमारे तय, और खूब भी ये दो तरह की पी रहा है। जब इसने नो दिखा कि मैं इसने मारूंगा, जब ताकड़ पाट के गया, जब परमात्मा ने उसकी देही तोड़ दी, जो पड़ा पड़ा तड़फे और शायद से घिसड़ के और चरण पकड़ दिए, धर्मदास मेरे आके तुम्हारे भगवान 21 ब्रह्मांड के मालिक ने, इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने, और बुरी तरह रोए, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, छोटे तो गलतियाँ करा करते हैं, बड़े तो माफी करा करते हैं, आप मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो वैसे भाई जान कर आपके साथ लड़कपन कर दिया, माफ़ कर दो, मैं तो आपको भगवान पिता के समान मानता हूँ, मुझे क्षमा करो। जो बुरा हाल कर दिया, जब मैंने कहा ठीक है, फिर कहता है मुझे कुछ, आप नीचे जाओगे? कहाँ जाऊँगा भाई, मेरे को आदेश हो गया, मैंने जाना पड़ेगा, बस की बात नहीं। तो एक काम करियो, क्या कुछ मेरी डिमांड है या पूरी करियो पहले। परमात्मा बोले, बोल के क्या डिमांड है तेरी? इसने कहा कि नो नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा बोले ठीक है, वचनबद्ध हो गया। मांग क्या मांगता? कि तीन युगों में सत्ययुग त्रेता द्वापर में और जीव थोड़े ले जाना, यदि आप सारे जीव अभी ले जाओगे तो मैं भूखा मरूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मुझे तो श्राप लगा हुआ है। परमात्मा बोले श्राप भी तो तेरी बकवादों से लगा होगा, तेरे मारने चला टक्या नहीं, ये भी दुखी कर दिया आत्मा। तीन युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजे। कि हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे आप ऐसा वचन दो और फिर तुम नीचे जाना। क्या मांगा इसने? एक तो ये मांगा था कि तीनों युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे उस समय कितने ही जीव ले जाना। और दूसरी प्रार्थना ये की थी कि दाता, आप जोर जबरदस्ती ना करना, अपना ज्ञान सुना के, और जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे हृदय से वो आपका हो और शेष मेरे रहें। तो परमात्मा को पता था
कि ज्ञान इनको हो जाएगा फिर यहाँ रहेंगे कैसे, ज्ञानत कराऊंगा इनको जाकर चौथे युग में। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, यह भी मान ली तेरी प्रार्थना। फिर क्या कहा कि त्रेता युग में मेरा एक अंश जावेगा, रामचंद्र नाम होगा, राजा दशरथ के घर जन्म होगा, और उसके प्रारब्ध में ऐसा लिखा हुआ है कि उसकी पत्नी को एक राक्षस उठाएगा, लंका में ले जाएगा, और उस समय उसे छुड़वाने के लिए उसको पुल की आवश्यकता पड़ेगी समुद्र पार करने के लिए। आपके बिना ये काम दाता कोई नहीं कर सकता, या दया करियो। परमात्मा को पता था कि यह आत्मा तो मेरी है, रामचंद्र भी यूँ तो ठेकेदार बन रहा है, अपने आत्माओं जैसे आपका कोई पुत्र या पुत्री है, और कोई रोगी है आज के दिन किसी कारण से, मान ले देखो देखो सत्संग ये ऐसा सत्संग है जिसमें सारे पॉइंटों पर हिंट देने पड़ते हैं, हर तरह के भगत होते हैं। अब जैसे यहाँ अधिकतर रोगी आते हैं, क्यों, काल ने सत्यानाश कर दिया, भक्ति खत्म करवा दी, पिछले पुन खत्म हो लिए, आगे भक्ति इनके पास थी नहीं, माथा टेक टेक उन चौराहे वाली माताओं पर बट्ठा बैठा लिया, अब सब रोगी हो गए, किसी को कोई हानि है, कोई मेंटली डिस्टर्ब है, किसी को कैंसर है, किसी को हाहाकार मच रही, तो भक्ति की शक्ति बिना ये शरीर चलेगा कैसे, ये मट्टी है। तो अब जैसे यहाँ आते हैं और कति लास्ट स्टेज पर मृत्यु के निकट है, यदि सच्ची श्रद्धा से सच्चे दिल से समर्पित होकर भक्ति करेंगे तो कति ठीक करेगा, गारंटीड बात है, स्वस्थ होंगे, यदि नीत भक्ति की होगी तय। और दूसरी बात यह है कि कोई जैसे अब क्या करते हैं, कोई भक्त बता देता है कि वहाँ जाते ठीक हो जाते हैं, वो चल पड़ते हैं बेचारे, क्यों सब जगह थक लिए, वो सोच लेते एक ट्राई और कर लेते हैं, तो ट्राई करने आने वाले को यहाँ राहत नहीं मिलेगी। हाँ, यहाँ समर्पित होकर ज्ञान सुनकावे और चलो ट्राई करने आ भी गया तो हमारे नियमों का फॉलो करें जो हम यह बताते हैं, फिर देखना रोज चांदना देगा परमात्मा, जैसे दीपक में तेल डाल दिया जाता है ऐसे राहत मिलेगी आपको, यहाँ भगवान है, समर्थ सर्वशक्तिमान कबीर साहब की शक्ति है यहाँ पर। अब फिर भी किसी कारण से भी राहत ना मिल पाई, त्रुटि तो अपनी ही होगी, भगवान में तो है ही नहीं। सतगुरु के दरबार में भाई कमी कहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी मा। इस सच्चे दरबार में कबीर भगवान की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, असंभव शब्द नहीं है इस भगवान के दरबार में। यदि कोई आप नहीं राहत प्राप्त कर रहे हो तो आपकी चाकरी में दोष है, कमी है, त्रुटि है, आपकी कोई श्रद्धा भाव और सिमरण भक्ति में कोई दिक्कत है, उसको सुचारू करो, वो अवश्य मिलेगी। अब कहने का भाव ये है कि अब जैसे किसी का बाप बीमार है, 70 साल का हो गया, अरनाम ले लिया उसने, दुखी गणा था, दीक्षा ले ली, राहत तो मिलती है लेकिन फिर भी किसी कारण से त्रुटि रह जाती है, कोई नियम खंडित कर देते हैं, आदत छूटती नहीं, कालना तो यही तक नाश कर रखा है कि इनको सुख नहीं हो, दुख हो जितना हो, नाम ले जाते हैं। और बहुत से भक्त ऐसे आते हैं जी कति ठीक हो गया था और इसने बीड़ी पी ली, क्यों माड़ी राहत होगी, वो बकवाद फिर भागी और फिर वही स्थिति होगी। तो भाई ऐसे व्यक्ति को यहाँ कोई स्थान नहीं है, अब भगवान नहीं सुनेगा ऐसे व्यक्ति की, दोबारा नाम लो और फिर ठीक हो जाएगा, आगे नियमित रहना। इस कारण से वो कोई नाम खंडित करने से मृत्यु भी प्राप्त हो जाती है। अब हम तो रो रहे हैं कि हे भगवान यूँ क्यों मर गया, क्योंकि हमारा पिता था या हमारा पुत्र था, हम तो एक सूखे ठेकेदार बने, वो तो आत्मा तो उस परमात्मा की थी, उस परमात्मा की आत्मा है और उसको नाम दे दिया, नाम दे दिया तो उसको मनुष्य जीवन मिलेगा, इस नाम का एक बार भी जाप करके जो 10 प्रथम मंत्र देता है, और यदि शरीर छूट गया तो मनुष्य जीवन गारंटीड है, भक्ति मिलेगी। और इस अनमोल अमृत को बचा कैसे रखा था, छुपा क्यों रखा था, इसलिए रखा था कि जरूरत है इसकी, पहली बात तो स्वस्थ करेगा और इससे जो उनमें मोक्ष करने की चेष्टा करेंगे परमात्मा, फिर भी क्योंकि घड़ा बिगड़ा हुआ काम है सारा,
कोई न कोई त्रुटि हुए बिना रहती, निर किसी कारण से मृत्यु भी हो जाती है तो उसका तो भाग जाएगी। दोनों हाथों में लाडू सतलोक आसन बरवाला माप के जब स्वस्थ हो गया तो भक्ति इस जीवन में करियो, और जब मृत्यु होगी किसी कारण से तो नेक्स्ट जीवन दसवें महीने आ लेगा अपनी माँ की गोदी में यहीं पर नया कपड़ा पहन के। ये तो असंख्य शरीर जाली है हमारे, ये तो एक कपड़ा बदलना है। और पुण्यात्माओं जब आपको ज्ञान होगा ना इस बात का, जैसे आपका धोती कुर्ता पजामा फट गया और आपके बक्स में आपकी टैची में अरकाचा दरिया है नया, तो क्या करोगे? न फेंकोगे बाहर, अरकाचा काट के तुरंत पहरोगे। तो ये जो शरीर है यो तो एक कपड़ा है, अगर ये खराब हो गया तो इस मंत्र से मोक्ष से पहले भी अगर खराब हो जाता है तो नया तैयार रखे आपका टैची में पैर के तुरंत आ लोगे यहीं पर और बाहर हो जाओगे। इसको ज्ञान समझना, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, कोई रागनी बनानिया की रागनी नहीं, ये कोई फिल्मी लोगों की बनाई हुई दंत कथा स्टोरी नहीं, ये परमात्मा का दिया अध्यात्म ज्ञान है और इसको शत प्रतिशत सत्य है और आप भी इसको सत्य मानना। तो जो प्रसंग चल रहा था हम उसी पर आते हैं। तो इस काल ने ठेका ले रखा है, इब ये हम इसके हो गए और हैं हम सभी आत्मा परमात्मा की। तो उसने ये प्रार्थना की थी कि मेरा पुत्र जाएगा विष्णु रामचंद्र रूप में और वहाँ पुल की जरूरत पड़ेगी जब रावण सीता ने ठावेगा, आप दया करियो। परमात्मा बोले कोई बात ना, क्योंकि परमात्मा ने पता था को यू ना कहे तो भी मैंने जाना पड़ा क्योंकि बच्चा तो मेरा ही है। कहीं भी कोई दुख आत्मा है तो दाता रो तो वही रहा आपके लिए। कबीर साहब कहते हैं मैं रोए तू सृष्टि को और ये सृष्टि रोए मोहे, और गरीब दास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई, क्योंकि गरीब दास जी को भी परमात्मा सतलोक लेकर गए थे फिर वापस छोड़ा था। तो उनको समझा रहे हैं कि मैं इनको रो रहा हूँ गरीब दास कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी भक्ति करो, तुम्हें यहाँ भी सुख दूंगा और सतलोक ले चलूंगा जहाँ तुम सदा सुखी रहोगे, मृत्यु नहीं होगी तुम्हारी। और ये मुझे खोज रहे हैं भगवान है संकट मोचन, संकट मोचन है बता, हनुमान जी ने संकट मोचन मान्या करते हम होते। ये भगत का था बोला वो तो उसके पास तो कोई भी भाग भी ना था, उसने पूजा करते ये ब्रह्मा विष्णु महेश सर चलो एक भी भाग के मंत्री तो हैं, तो हनुमान तो एक भगत था और भगत की एक भगत भक्ति करा उससे मांग कुछ मांग गए एक कलरक से और दूसरा कलरक को याचना करे कि मैंने तू मुझे तो वो बना दे प्रेजिडेंट, वो कैसे बना देगा। तो कहने का भाव ये है कि हम भक्ति गलत कर रहे थे, तो परमात्मा ने को मालूम था कि ये दुखी होंगे तो या तो दुख तो मुझे ही होगा, तो परमात्मा कहा करते कि मैं हूँ वो संकट मोचन और सारा सुख देने वाला, पर हम उसको मान नहीं पाए क्योंकि हमने उसके पहचान नहीं थी, चिन्ह नहीं थे हमारे पास, उसको पहचानने का कोई पैमाना नहीं था। अब दास ने पहले आपको पैमाना दिया कि जिन ग्रंथों को आप सच मानते हो उनमें भगवान की डेफिनेशन यह बता रखिए, और ये किस पर खड़ी होती है? ये उस पर खड़ी होती है जो काशी में धारक रूप में रहा करता कबीर जुलाहा, वो सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का रचनहार है, वो आपका और हमारा पिता है, वो हमें मोक्ष देगा सुख देगा।